तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन लिखते जाइए, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सेशन के एंड में सारा आंसर जो है आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ठीक है। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, और बीच में कोई गूगल नहीं करना है, क्योंकि ना ये कंसंट्रेशन का गेम है, देखना है कि हाँ हम क्वेश्चन जो है उसको सुनने के बेसिस पे हम उसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एचई टारगेट, एचई टारगेट का संबंध किससे है, ठीक है। पर्यावरण में क्या है ना कि मतलब सब कीवर्ड्स का खेल है, सब मिलता जुलता लगेगा, लेकिन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा कौन जो है वो जैव विविधता से संबंधित है, कौन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, वो समझ में आएगा। तो पहले जो है क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद टॉपिक पढ़ो, मतलब बताएंगे हम, और उसके बाद आंसर करो, मज़ा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बोले एजेंडा 21 का संबंध किससे है, दूसरा चीज़ बोले एचई टारगेट जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ है, एचई टारगेट इसका संबंध किस चीज़ से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रियो डिक्लेरेशन में कितने सिद्धांत थे, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर देयर इन रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन में कितने सिद्धांत थे, ठीक है। ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि सुनना है और बस उसका आंसर करना है, ठीक है। 24 था, 25 था, 27 था, 28 था, ये बताएंगे अभी, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो रियो डिक्लेरेशन है इसमें कितने सिद्धांत थे, कितने प्रिंसिपल थे, और ये सब ना एकदम बेसिक चीज़ है पर्यावरण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48A को किस संशोधन से जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A वर्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 48A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनुच्छेद 48A को किस संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है, और कब, ये भी लिख लो। क्वेश्चन जब रहेगा ध्यान में, तो जब पढ़ाएंगे तो तुमको स्ट्राइक करेगा कि अच्छा जी इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो पढ़ते रहो, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, ये 48A वाला हो गया, ठीक है, कि 48A को जो है वो किस अमेंडमेंट से, किस संशोधन से जो है जोड़ा गया था और किस वर्ष में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के कचरे को किस कन्वेंशन में ऐड किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बीन एडेड टू विच कन्वेंशन, ठीक है। क्योंकि क्या है कि केवल स्टैटिक नहीं, आपको जो है मतलब करंट को भी जानना जरूरी है, तो 2-3 अलग अलग कन्वेंशन है जो कि मतलब कचरा से डील करता है, अलग अलग टाइप का कचरा से डील करता है, तो बताना है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बीन एडेड टू, 2-3 साल पुराना न्यूज़ है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूछा नहीं इस बार ना, और अब हम क्या बोले कि वो एक साल वाला चीज़ चला गया कि हम एक साल का जीके पढ़ लेंगे तो हम जो है एकदम धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जो है मतलब आज़ादी के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है वो पढ़ के चलना है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय इम्पॉर्टेंट संधि है या कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है वो पढ़ के चलना है, क्योंकि अब JPSC जो है पेपर 1 में ओपन एंडेड हो गया है, ठीक है। सिलेबस खाली फॉलो नहीं कर रहा है, सिलेबस में कुछ भी मतलब पूछ दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग को जो पढ़ाई करनी है वो थोड़ा ब्रॉडर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अगला आपका यही है कि प्लास्टिक का जो कचड़ा है इसको किस कन्वेंशन में ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में 7 POP
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऐसे कचड़ा जो कि मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं और पर्यावरण में रहते हैं, उसको बोलते हैं POP। तो अक्टूबर 2020 में 7 POP को इंडिया ने बैन किया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी आ सकता है। देखो मेंस में लेबल दिखा दिया है, कहीं तो इजी है लेकिन कहीं जो है एकदम फाड़ू क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग क्यों ना मतलब थोड़ा एक लेबल का क्वेश्चन करके चले। तो अक्टूबर 2020 में इंडिया ने 7 POP को बैन कर दिया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को। आपको ये बताना है कि POP किस कन्वेंशन में कवर होता है, मतलब POP को किस कन्वेंशन में बैन किया गया है। अक्टूबर 2020 में भारत ने 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, POP तो हिंदी भी लिखे थे, इसका हिंदी है हाँ अनवरत जैविक प्रदूषक, अनवरत जैविक प्रदूषक को बैन किया है 7। ठीक है, टाइम से आओ रे बाबा, नहीं तो छूटेगा तो फिर बोलेगा कि सर छूट गया। जितना टाइम बोलते हैं उसके 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब तक कुछ अर्जेंसी नहीं है तो जो है एकदम टाइम पे ज्वाइन करो, नहीं तो फिर छूटेगा तो बोलना मत। लिखो क्वेश्चन फिर। अक्टूबर 2020 में भारत ने 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को बैन किया। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि अनवरत जैविक प्रदूषक किस कन्वेंशन के अंदर बैन है, और ये सब चीज़ अभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन क्वेश्चन पहले बता दे रहे हैं कि थोड़ा जो है दिमाग एक्टिव हो जाए कि ओ बाबा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रवासी जीव जंतु का संरक्षण है ना, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट स्पीसीज। प्रवासी जीव जंतु को किस कन्वेंशन के अंतर्गत बचाया जाता है। माइग्रेंट स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर विच कन्वेंशन। कन्वेंशन प्रोटोकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना ही जानना है, और ढेर सारे हैं, कम से कम 15 बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ेगा ना तब इधर जाके सेट होगा, तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत बार रिपीट कराएंगे आज। इसीलिए जो है शुरू में पहले बता देते हैं, क्योंकि अभी तुम सुनेगा ओ स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, मिनीमाटा कन्वेंशन, तो अभी तुम लोग को ये नया नया लगेगा, लेकिन जब बार बार रिपीट होगा तब जाके सेट हो जाएगा। इसीलिए किसी को भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि सर ये टफ लग रहा है, अभी थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो प्रवासी जीव जंतु हैं उनको किस कन्वेंशन से प्रोटेक्ट करते हैं। माइग्रेंट स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर विच कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन प्रोटोकॉल यही सब पे आज चलेगा टॉपिक। कितना क्वेश्चन हुआ, 10 हुआ, 7। ठीक है, चलो और 3 लिखो तब बात बनेगा। अब भारत जो है ना, पहले क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल था, कि एक चीज़ सबको पता होगा क्या, कि जो पर्यावरण है मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस के चलते, जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसके चलते क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जहाँ बारिश अच्छी होती थी वहाँ बारिशें नहीं हो रहा है, और जयपुर जैसा जगह जहाँ बारिश होती नहीं थी वहाँ बाढ़ आ जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर पे जो है बर्फ़ पिघल रहा है। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, किसका, UNFCCC। हम लोग शुरू में जो है, बाकी सब लोग यार म्यूट पे रहो है ना, आवाज़ नहीं तो गूंजेगा, देखो हमको पता नहीं चल पा रहा है। सुमित्रा म्यूट रखो अपना है ना, बाकी सभी लोग भी, क्योंकि बहुत लोग जो है वो थोड़ा नया नया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है भाई राइज़ हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका जो है चलते जीव जंतु मर रहे हैं, बारिश हो जा रही है जहाँ नहीं होती थी, बहुत मतलब उसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए 1992 में अर्थ समिट हुआ था, अभी आएंगे उस पर, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। तो एक संगठन बना था, स्टार्टिंग में ये हम नामे नहीं बोल पाते थे, UNFCCC।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसको काम क्या सौंपा गया, काम इसको ये सौंपा गया कि आपको जो है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ने से रोकना है, ठीक है, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो ना हो। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी संस्था है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है, उसी का बैठक अभी स्कॉटलैंड में हुआ था जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया का जो है नया लक्ष्य रखा था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी ये तुम जान लो कि वो बॉडी कौन सी है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहले जो है ये ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सूरज की रोशनी को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। जाने नहीं देता है तो चलो एक हद तक ठीक है, ब्लैंकेट का काम करता है, लेकिन अगर इसका मात्रा बढ़ जाए तो फिर तो भाई कोई भी चीज़ का एक्सेस सही नहीं होता है, तो फिर दिक्कत होता है। तो पहले ये ले आया था क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, ठीक है, पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज़ से है, जलवायु परिवर्तन से है, सतत विकास से है, जैव विविधता से है। तो हम बोले क्या कि पर्यावरण में जो टर्म है ना मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि सतत विकास जो है बिना पर्यावरण को बचाए हुए, बिना क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किए हुए सतत विकास नहीं हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी बना हुआ है, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए UNFCCC है, जैव विविधता के लिए CBD है, अभी हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, लेकिन तुम माइंड में ये सेटअप करो कि हाँ मिलता जुलता चीज़ है लेकिन पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग संस्था बना हुआ, जिसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया था स्टार्टिंग में 2005 में, वो पहले लागू हुआ 2005 से 2012। दिक्कत क्या हो गया, अमेरिका उसको साइन नहीं किया, और जो प्रतिबद्धता थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, केवल विकसित देश को दे दिए गए, जो पहले से इंडस्ट्रियलाइज थे, जो विकासशील देश थे जैसे इंडिया चाइना, उनको कोई टारगेट ही नहीं दिया गया। तो पहला क्योटो प्रोटोकॉल तो फेल हुआ ही हुआ, जो 2005 से 2012 तक था। फिर क्या किया गया कि भाई इसको एक्सटेंड किया जाए 2012 से 2020, लेकिन वो भी फेल हुआ। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका साइन नहीं किया, जो कि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस पॉल्यूटर है, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है अमेरिका, वो साइन ही नहीं किया, तो फिर जो है उसको देखा देखी जापान, रशिया सब पीछे हटने लगे कि भाई जब जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है वो करे नहीं रहा साइन, तो हम काहे करें। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल बुरी तरह फेल हुआ। तो अब जब पेरिस क्लाइमेट चेंज, जो कि 2020 से 2030 तक, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कितनी बार आया, दो बार आया, 2005 से 12, 12 से 20, उसको जानना जरूरी नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। बस इतना जानो अगर क्वेश्चन आ गया इन केस कि क्योटो संधि का संबंध किस चीज़ से है, ऑप्शन देगा जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस को मतलब जलवायु परिवर्तन हो गया, या फिर सतत विकास हो गया, या फिर जैव विविधता हो गया। तो तुमको स्पेसिफिक होना चाहिए कि अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कि ग्रीन हाउस गैस को रोकना और जलवायु परिवर्तन को स्थिर करना, क्लाइमेट चेंज को स्टेबल करना। तो हर एक चीज़ के लिए एक टर्म बना हुआ है जो तुमको दिमाग में सेट करना है। तो जब क्योटो प्रोटोकॉल दो बार लगातार फेल हो गया और देखा गया कि यार हम विकासशील देश को कोई टारगेट नहीं दिए थे, इंडिया चाइना चाहे और भी जो है जर्मनी ब्राज़ील ये सबको कुछ टारगेट नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से जो है ये फेलियर हो गया है ना। जर्मनी चलो विकसित में आएगा, ब्राज़ील को कंट्रोल मतलब काउंट कर लो, और जो है विकासशील देश इंडिया चाइना मतलब टॉप 10 में तो आते हैं पोल्यूटर में, चाइना तो अभी और भी ज़्यादा पोल्यूट करता है। तो फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ, पेरिस जलवायु संधि, जिसका टाइम पीरियड क्या है 2021 से लेकर 2030 तक। और इसमें क्या किया गया कि हम ये नहीं देखेंगे कि कौन विकसित है कौन विकासशील है, जितने भी देश हैं आप खुद बताइए कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे। साथ ही साथ ये बताइए, ये तो सबको पता ही होगा, इस बार JPC मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या अंतर है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था JPC मेंस में। तो बहुत लोग सोचा कि यार इतना आसान क्वेश्चन दिया है, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी दिया है, वो भले क्वेश्चन वो पूछा कि डिफरेंस बताइए और दो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का बताइए कैसे काम करता, क्वेश्चन बस ये पूछा था। तो बहुत से जो नए स्टूडेंट थे या इवन कुछ पुराने स्टूडेंट थे कि अरे यही ना पूछा है, साइंस है ये, वो सीधे जो है रिन्यूएबल जिसका जो है हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिसका जो है इनफाइनाइट सोर्स है, जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया। बस ये सब का जिक्र किए और सोचे कि बस काम बन गया। लेकिन बाबू स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज है, ये तो 10th क्लास का बच्चा लिख देगा। वहाँ पे पूछ रहा है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, तो तुमको जोड़ना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से कि जो हम कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे जो है ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और उसके लिए दो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट चेंज। देखो तभी हम बोल रहे हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसको 360 डिग्री पढ़ो, क्योंकि अब जेपीएससी अपना स्टैंडर्ड जो है मतलब यूपीएससी से थोड़ा ही नीचे रखा है, लेकिन उठा दिया है लेवल। क्वेश्चन तुमको सिंपल दिया है लेकिन आंसर सिंपल नहीं चाहिए उसको, आंसर उसको चाहिए कि तुम उसका क्या क्या डायमेंशन देता है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन में मान लो कि केवल जो 10th क्लास वाला आंसर लिख दिया तो उसको 32 में कितना मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा। और जो उस पर जो है ये सब चीज़ लिंक कर दिया, क्या क्लाइमेट चेंज का ये सब का लिंक कर दिया, क्योटो प्रोटोकॉल का खाली नाम डाल दिया, डिस्क्राइब नहीं करना था, यही बताना था कि अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोल और पेट्रोल का, तो उससे दिक्कत क्या हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना जी, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसी वजह से हमको क्या करना है, इसी वजह से जो है हमको जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है कोल और पेट्रोलियम उसका इस्तेमाल कम करना है। ठीक है, तो ऐसे लिंक करना था। उसके बाद मान लो पूछा था कि बताइए कि दो सोर्स, तो अगर तुम सोलर का दिखा रहा है कि हाँ भाई सोलर सेल ऐसे काम कर रहा है, तो नीचे में लिखना पड़ेगा कि सोलर सेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट द सेम टाइम नेशनल सोलर मिशन चलाई है, और अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलर एनर्जी का है, तब तुम्हारा आंसर धांसू होगा। क्या उसमें तुमको डायमेंशन डालना पड़ेगा। और इसीलिए बोले कि अभी जो टॉपिक मिलेगा उसको एकदम अच्छे से पढ़ो, अपना भी मेहनत लगाओ। गूगल रामबाण है, टॉपिक हम तुमको दिए, तुम थोड़ा देख के आया, हम यहाँ पे पढ़ाएं, उसके बाद फिर तुम देखा उस टॉपिक को। ये 3 बार जब तुम टॉपिक देखेगा ना, और जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि मतलब फिर कहना ही क्या है, तो वन लाइनर भूल जाओ। वन लाइनर करना है लेकिन टॉपिक को, अभी मान लो कि फॉर्म अप्रैल में आने का था, अब आज मेरा दोस्त बोला कि यार अप्रैल में नहीं आएगा, तुम लोग का जब रिजल्ट आएगा मई का पहले हफ्ते में तब आएगा। ठीक है, पहले था कि पहले ही निकाल देगा फॉर्म, लेकिन अभी चलो ठीक ही है, मई में आएगा तो और भी इधर टेंशन फ्री है। लेकिन टेंशन फ्री तो है, लेकिन टॉपिक जो है एकदम अच्छे से कवर करना है, बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में। और पहले बता दिए, हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम। 2 घंटा पढ़ाई करेगा सक्सेस का तुम्हारा चांस 20% रहेगा, 4 घंटा मेहनत से पढ़ेगा सक्सेस का तुम्हारा चांस 50% रहेगा, 5 से 6 घंटा मिनिमम डेली का पढ़ाई करेगा तब तुम जो है एकदम 70% वाला कैटेगरी में आया कि हाँ यह सफल कर सकता है। क्योंकि ना खतरनाक मेहनत कर रहा है लोग रांची में, खतरनाक तुम सोच भी नहीं सकता है। 1 अक्टूबर से 3-4 मतलब जो जानकार हैं वो लोग गए नहीं घर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी में शायद कुछ दिन के लिए गए थे 2-3 दिन के लिए जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था तब। नतीजा क्या है, 570 जो है मात्र 15 से 20 बच्चों को आ रहा है, उस 15-20 बच्चों में वो हैं। सोचना है DSP का पोस्ट रखा हुआ है, टॉप 20 के अंदर उनको आना ही आना है जो 570 जो है ला दिए। तो सिंपल एक ही बात है कि हार्डर यू वर्क, इसका इंतज़ार मत करो कि फॉर्म आएगा तो हम मेहनत करेंगे, नहीं। जैसे अनाउंस हो गया 1 हफ्ता पहले कि 300 सीट आएगा, बस गांव से बच्चा लोग बैग पैक करके रांची कोई पहुंचने लगा, कोई वहीं पे उसको गाइडेंस मिल गया तो अपना गाँव में मेहनत करने लगा, कंपटीशन ओपन अप हो गया। अब तुम सोचो कि तुमको 570 वाले रेंज में रहना है, 550-540 रेंज में रहना है, 500 से कम रेंज में रहना है। ठीक है, तुम सोचो, कंपटीशन इज़ ओपन फॉर ऑल, सिंपल बात ये है। और ये बात तुमको बहुत कम लोग बता पाएंगे क्योंकि इतना समय कोई JPSC में कोई लगाया ही नहीं है। ठीक है, चलो तो बैक टू टॉपिक, कहने का मतलब यही है कि थोड़ा तुम लोग को डायमेंशन भी दिखाना है कि तुम लोग जब शुरुआत कर रहा है तो मतलब ना जी जान लगा दो,
फॉर्म आने का इंतजार मत करो, फॉर्म तो पता नहीं कब आएगा, और फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ेगा, लेकिन तुमको 550 प्लस मेंस में लाना है, पीटी में तुमको एकदम 140 प्लस क्वेश्चन सही करना है, ये समय है, ये समय है एकदम जम के मेहनत करने। चलो बैक टू टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुमको डायमेंशन देना था। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या बदलाव हुआ जी? क्योटो में टारगेट दिया गया था बस विकसित देशों को, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट चेंज बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हर कंट्री खुद बताए कि वो कितना जो है ग्रीन हाउस गैस कम करेगा। तो एक टर्म नोट कर लो, INDC, ठीक है, INDC। इंडिया अपने INDC में बदलाव कर दिया, अभी ये हुआ है स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो जब बदलाव कर दिया है बाबू, तो मान के चलो कि अगला मेंस में क्वेश्चन गिरने वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय INDC एंड व्हाट चेंजेस INDC से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या बदलाव किया गया है। एकदम प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। INDC से तुम क्या समझते हो, उसमें क्या बदलाव किया गया है? तो INDC का मतलब होता है इंटेंशनली, जो तुम खुद तय किए हो, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो तुम खुद तय किए हो कि तुम मतलब कितना ग्रीन हाउस गैस कम करोगे, कितना अपना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, ये INDC है। तो इंडिया क्या बदलाव किया है, हर कंट्री अपना INDC जमा किया था, और इंडिया क्या बदलाव किया है, इंडिया बोला था कि 2030 तक, क्योंकि वही पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो है टारगेट है, तो 2030 तक हम 2005 में जितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते थे उसका 33-35% कम करेंगे। इंडिया अपना INDC पहला टारगेट ये बोला था। दूसरा टारगेट क्या बोला था कि हम जितना एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं ना उसका 40% हम सोलर से, विंड से, ये सब से प्रोड्यूस करेंगे, और एक अपना कार्बन स्टॉक भी बढ़ाएंगे। ये तीन बात जो है इंडिया अपने INDC में बोला था, और हम इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठने बोले कि हम मेरे एक बार INDC बोलने से तुम्हारा पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। अभी तुम थोड़ा समझेगा, क्लास ख़त्म होगा, गूगल में डालना INDC, पढ़ना इंडिया टारगेट ऑफ INDC, उसको पढ़ना, तब बात बनेगा यार। हम क्या बोले, आधा मेहनत हम लगा रहे हैं 60%, 40% तुमको लगाना है मेहनत, तब जाके तुम एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा। पूजा महतो, ये क्या टाइम है 10 बजे आने का, 9:40 में दिए थे, खैर कोई बात नहीं, नुकसान तुम्हारा गया 20 मिनट का, ठीक है। जो टाइम देंगे उसके 5 मिनट पहले आ जाना, ठीक है। तो चलो, ये INDC पे क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है कि INDC क्या है, इसको नोट भी कर लो, और कल हम पूछेंगे भी, ठीक है। और भारत INDC में क्या बदलाव किया, तो पहले का हम तुमको बदलाव बता दिए कि पहले जो है जो COP26 जो स्कॉटलैंड में हुआ उसके पहले तक क्या टारगेट था इंडिया का ये टारगेट था। पहला, हम जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, हम जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 2005 में जो करते थे, मान लो 5 में करते थे 100 यूनिट, तो उसको 33-35% घटाएंगे, कब तक, 2030 तक, टारगेट 2030 तक है पेरिस क्लाइमेट चेंज का, SDG का, सेंदई फ्रेमवर्क का, सबका जो टारगेट पीरियड है वो 2030 है, ठीक है। इसका तो मस्त वाला डायग्राम बनाए थे, अभी नहीं, 60 JPC में बनाए थे, इस बार तो मौका ही नहीं मिला, उसमें तीनों को सर्कल किए थे, पेरिस क्लाइमेट चेंज, सेंदई फ्रेमवर्क, SDG, और बीच में मतलब इंडिया का वैसे करके लिखे थे। तो वही है, ये सब डॉट है, पॉइंट नोट करके रखो, बाद में क्या होगा, एक डॉट यहाँ, सबको जोड़ देंगे, सब जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि GS का मतलब क्या है, पढ़ता तुम पॉलिटी है, पढ़ता तुम हिस्ट्री है, पढ़ता तुम ज्योग्राफी है, पढ़ता तुम इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब कल को ब्यूरोक्रेट बनोगे ना तो कोई मैटर आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि GS3, GS4, GS5, नहीं, जब तुम मैटर सोचेगा तुमको सोल्यूशन निकालना होगा। और ये हमको कौन बताया, ये जो मेरे कुछ दोस्त निकाले हैं जो सीनियर्स हैं वो हमको बताएं, ये हमको पहले पता नहीं था। तो बोले तुमको GS में पढ़ना अलग अलग चीज़ ज़रूर है, क्यों, क्योंकि जब भी तुम कोई मैटर देखो तो तुम देखो कि इसका कुछ पॉलिटिकल क्या चीज़ है, इसका इकोनॉमिकल क्या है, इसका सोशल क्या है, ठीक है। जैसे गरीबी है तो गरीबी कैसा मुद्दा है, इसका सामाजिक पर्सपेक्टिव है, सोशल है, इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंटल है, कोविड है, कोविड का इम्पैक्ट भारत पे बताइए। अब लिखे जा रहे हैं खाली हेल्थ का, लिखे जा रहे हैं कि इतना लोग मर गए, इतना ये हो गया, अरे कोविड का इम्पैक्ट पूछ रहा है भारत पे,
तो तुमको डायमेंशन देना है ना, पर्यावरण पे ये असर हुआ, सोसाइटी पे ये असर हुआ, क्या देश के इकोनॉमी पे ये असर हुआ, तो तुमको जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। कैसे होगा? जब न्यूज़पेपर पढ़ेगा तब, न्यूज़ सुनेगा तब। वो ज़माना गया कि जब तीन चार किताब पढ़ते थे और मतलब सिविल सर्वेंट बन जाते थे, नहीं होगा। क्या अभी क्या है, 60% जो है आपका किताब है, ठीक है, लेकिन 40% जो है, 60% नहीं, 50% बोलना ठीक रहेगा, 50% आपका किताब है और 50% है जो स्टैटिक चीज़ जो चल रहा है, ठीक है, 50-50% का है। तो जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, उसको लिंक करेंगे, जो भी क्वेश्चन मेंस में पूछा उसका मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा, क्यों पूछा? सिंधु सभ्यता 100 साल पूरा हो गया 2021 में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 में हुआ था, उसका 30 साल पूरा हो गया 2021 में, पूछ लिया ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का इम्पैक्ट बताइए। तो वही हो गया कि गया वो ज़माना। अभी पूछते हैं लोग, सर नोट्स पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा नोट्स पढ़ के, क्या तुमको जो है दिमाग को बढ़ाना है। दिमाग कैसे बढ़ेगा? न्यूज़ सुनेगा, रिलेट करेगा, तब तब होगा, तब वो लेवल आएगा। तो इसलिए अभी तुम स्टार्ट कर रहा है, अप्रैल आने वाला है 2-3 दिन में, जो इंग्लिश मीडियम के हैं इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदी मीडियम के हैं दैनिक जागरण। न्यूज़पेपर तुम पढ़ना स्टार्ट करो, हम 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर का कोई पढ़ाता नहीं है पीटी में, लेकिन हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीटी पास करो और फिर मेंस में टाइम टाइम फीस, वैसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज बेस बनना चाहिए कि भाई हम पीटी भी पास करेंगे, और जब पीटी पास करेंगे तो मेरे पास कुछ रहेगा कि हम 15-20% नॉलेज रखे हैं, अब आओ मेंस, अब हम करते हैं मेंस का, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये मेंस, आपका आँख खोल दिया। भले जो है संस्था गड़बड़ है या मतलब प्रॉपर काम नहीं करती है, लेकिन जो क्वेश्चन सेट कर रही है ना, बहुत लाजवाब कर रही, मस्त कर रही। पीटी में इतना ही स्टैंडर्ड गया था ना, मेंस में इतना गया है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन बस वो 5-6 ही क्वेश्चन, और वो इजी क्वेश्चन में भी तुमसे डायमेंशन ढूंढ रहा था। ये नहीं कि 10th क्लास वाला आंसर लिख के आ गए तो तुमको दे देगा 32 में 20-22, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो, जब तैयारी में आए हो सिविल सर्विसेज के, तो मतलब होना चाहिए यार कि पूछिए सर आपको क्या पूछना, हमको पता है सवाल, हमको पता है सवाल का जवाब। अपने आप को अल्टीमेटली उस लेवल पे ले जाना है कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो, पॉलिटी भी अच्छा हो, ज्योग्राफी भी अच्छा हो, साइंस भी अच्छा हो, तब तुम एक बढ़िया सिविल सर्वेंट है, ठीक है। चलो हम सोचे स्टार्टिंग है तो बता देते, क्योंकि अभी तुम लोग ढल जाओगे धीरे धीरे, अभी समय है, ढल जाओगे। फॉर्म जो है अभी आने में समय है, तो नया चीज़ डेवलप करने में समय लगता है। तुरंत हम आज बोल दिए तुम बटन दबाया, कल नहीं हो जाएगा, थोड़ा दिमाग मन बनाएगा, 2-4 दिन 5 दिन, और 2-4-5 दिन हम तो बोलते रहेंगे, तो फाइनली जो है तुम जाके न्यूज़पेपर लेगा। क्योंकि हमको पता है कि मतलब कितने जो है हम लोग एडमिट रहते हैं, बदलाव से हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, नॉलेज कैसे बढ़ेगा? नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हम वही बोल रहे थे कि INDC इंडिया क्या बदलाव कर दिया। इंडिया बोला कि भाई जो हम 33-35% आपको बोले थे ना, हम 2030 तक 45% कम कर देंगे। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट हम 33-35% रखे थे, वो जो है, अरे भाई किसको लिंक नहीं गया, एक मिनट को, तो वो जो पहला टारगेट एक तो चेंज हुआ, जो 33-35% था वो हो गया 45%, और दूसरा बदलाव क्या हुआ? दूसरा बदलाव हुआ कि इंडिया जो है, तुम देख ही रहे हो कि सोलर में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है गठन किया, साथ ही साथ विंड मिल पे काम कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा है। तो जो टारगेट इंडिया को मतलब अचीव करना था 2030 में ना, अभी न्यूज़पेपर में देख रहे थे, दिसंबर में ही इंडिया जो है ना 40% के आसपास मतलब टारगेट को अचीव कर लिया। इसलिए इंडिया अपना जो टारगेट उसको बढ़ा के कर दिया है 50%, ठीक है। तो ये बदलाव किया, इसको तुम लोग पढ़ के भी आना कि INDC से आप क्या समझते हैं, और भारत का नया INDC टारगेट क्या है। ज़्यादा नहीं, एक एक पेज का ही बनाओ,
और यही एक पेज फिर दो पेज फिर तीन पेज ऐसे करके बढ़ेगा क्या, लेकिन ज़रूरी है इसलिए कॉपी पेन, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। अब हम बताएंगे, एक तो अभिषेक भाई है ठीक है, अगर मान लो हम लोग 4 महीना मेहनत किए तो 2 ही महीना मेहनत किए, लेकिन हम लोग से 40 नंबर ज़्यादा हैं। क्यों? इतना लिखते थे ना शुरू से ही, और हम लोग थोड़ा अवॉइड करते थे, तो उनका इतना अच्छा ब्रेन और पेन का कनेक्शन बन गया था ना कि सिंपल चीज़ को भी 5 डायमेंशन डाल देते थे, और हम वो नहीं कर पाए। हम लोग मतलब बाकी के मान लो 5 दोस्त का ग्रुप है तो 4 लोग हम लोग नहीं कर पाए, और वो कर पाए सबसे जो है हम लोग से 40-45 नंबर ऊपर है। रीज़न क्या है? जिस दिन वो नहीं भी पढ़ते तो उस दिन लिखते थे कि आज का मेरा दिन कैसा भी था, डायरी एंट्री करते थे, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऑल अबाउट कि जो तुम्हारे दिमाग में है उसको तुम कितना बढ़िया से पेपर पे लाता है, और वो कब होगा? जब डेली बेसिस पे तुम 1 पेज 2 पेज लिखेगा। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ने बोल रहे हैं? न्यूज़पेपर में संपादकीय पढ़ा कि हाँ भाई क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का क्या मैटर चल रहा है, या फिर भारत में जो है अभी क्या मुद्दा चल रहा है, उसको तुम न्यूज़पेपर में पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, बंद किया, आधा पेज ही जो है अभी तुमसे लिखा आएगा, लेकिन लिखो वही आधा पेज जो है 1 हफ्ता 10 दिन के बाद 1 पेज बन जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो पेपर पे जो चीज़ सोच रहा है जो पढ़ा है उसको मतलब लाएगा, और ये तुमको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे। ठीक है, अभिषेक भाई हम लोग से 40-45 नंबर आगे क्यों है? क्योंकि हम कलकत्ता शिफ्ट हो गए तो वहाँ न्यूज़पेपर लगा नहीं पाए, और भी जो मेरे दोस्त हैं न्यूज़पेपर पर थोड़ा ध्यान नहीं दिए इधर, और वो कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर पढ़ते रह गए, हम लोग किताब पे ही सीमित रह गए। वो हर आंसर में 3-4 नया डायमेंशन डाल दिए, हर आंसर में 3-4 नया पॉइंट डाल दिए, वो हम लोग नहीं कर पाए। तो मतलब मान लो हर क्वेश्चन में 3-3 नंबर का फासला लिए तो कर गए, अभी 40 नंबर आगे चल रहे हम लोग से, और टॉप 20 में रहेंगे देखना। तो ये मतलब बेनिफिट होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का और न्यूज़ देखने का। 1 घंटा लगाओ ज़िंदगी बदल जाएगा यार, 1 घंटा लगाओ सुनने पढ़ने में, और फिर बिना देखे पहले 4-5 लाइन ही लिखो कि हाँ इतना पढ़े, फिर यही 4-5 लाइन 10 लाइन बदलेगा, 15 लाइन बनेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अब UPSC की तरह JPSC भी 50% किताब, 50% न्यूज़पेपर और न्यूज़। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये INDC वाला तुम लोग काम करना, और पेरिस क्लाइमेट चेंज इससे संबंधित है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था उसको नोटिस नहीं किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि जो विकसित देश है उनको उतना मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब 1965 के बाद से इम्पैक्ट जब विकसित देशों पर भी होने लगा, तब उनको लगा कि भाई साहब UN में हर चीज़ के लिए एक बॉडी है। ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यूनिसेफ है, साइंटिफिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को है, ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए एक एजेंसी है, लेकिन पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, और एक टर्म है मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलो बताओ जो भी स्टूडेंट है उनमें से कोई भी बताओ कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा क्या है? हाँ, एकदम सही बोला शुभम, कि कोई भी चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो भी मतलब रूल रेगुलेशन रहता है ना, अब भारत में जैसे शिक्षा को लेके तुमको पता ही होगा कि पहले जो है मकौले आए थे 1835 में, तो वो बोले कि यार सभी भारतीयों को पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, फिल्ट्रेशन थ्योरी दी है। और हम क्यों बोले कि कॉपी और पेन लेके तैयार रहो? क्योंकि हमको जो ध्यान में आता है हम वो बताते हैं, वो बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मकौले के द्वारा। मकौले का ये मानना था कि कुछ भारतीयों को पढ़ाइए और वो बाकी लोग को जाके पढ़ाएंगे। लेकिन जब 1854 में जब उर्स डिस्पैच आया तो बोला कि नहीं, सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी शिक्षा की, और सबको जो है शिक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में और बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जबकि मकौले का क्या कहना था? केवल इंग्लिश में ही शिक्षा देना है। अरे बच्चा अभी जो है मतलब जन्म ही लिया है, वो मतलब अपना अनार बहुत मुश्किल से समझ पा रहा है, तुम उसको पॉमीग्रेनेट समझाओगे तो कैसे समझेगा?
अभी का हम बात नहीं कर रहे, हम पहले का बात कर रहे हैं। अभी तो चलो बचपन से ही पेरेंट्स ही मतलब बोलते हैं, अभी बच्चा छोटा है तो कम्युनिकेट कर तो चलो बच्चा कैच कर लेता है, लेकिन उस समय का बात कर रहे हैं तो मैकॉले जो है केवल बोलता था कि नहीं भाई मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, केवल इंग्लिश में होगी, और फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, ठीक है, फिल्ट्रेशन का सिद्धांत दिया था कि कुछ भारतीयों को पढ़ाओ और वो फिर शिक्षा को बढ़ाएंगे। लेकिन जब उर्स डिस्पैच आया 1854 में तो बोला कि नहीं, सबको शिक्षा प्रोवाइड करनी होगी और जो स्टार्टिंग है वहाँ पे आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। तो मैग्ना कार्टा कोई भी चीज़ का इम्पॉर्टेंट रूल रेगुलेशन होता है या अधिनियम होता है। तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? उर्स डिस्पैच को, जो कब आया था 1854 में। तो उसी तरह विश्व में अगर हम बात करें कि पर्यावरण के रिलेटेड मैग्ना कार्टा क्या था, तो 1972 में स्टॉकहोम में सबमिट हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी है, वहाँ पे सबमिट हुआ था, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। तो एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि ऑप्शन दे देगा कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं। स्टॉकहोम का 1972 सबमिट, रियो का 1992 सबमिट, जोहान्सबर्ग का 2002 सबमिट, तो जवाब होगा 1972 सबमिट, क्योंकि पहली बार यूएन के सारे सदस्य वहाँ पे मिले स्टॉकहोम में और बोले कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमको सतत विकास करना चाहिए, मतलब ऑफिशियली सतत विकास को डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन इस सब मुद्दों पे बात चला, हम लोग को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, जीव जंतु को बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले हुई थी स्टॉकहोम में, और इसका नाम है मतलब संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, UNCHE। मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे सकता है, तो अभी इसको नोट करते चलो, ठीक है। इसीलिए हम बोले कि कॉपी और पेन लेके तैयार रहो और सब चीज़ का बात छोड़ के मेरा बात सुनो, क्योंकि एक ही क्लास में कम से कम 20-25 क्वेश्चन तुमको जो है जानने और समझने को मिलेगा, और अगर ध्यान इधर उधर रहा मिस कर जाओगे, ठीक है। इसलिए कॉपी पेन और कंसंट्रेशन जब क्लास कर रहे हो तब करो, क्योंकि उसी में हम इकोनॉमिक्स भी बताएंगे, कुछ हमको जो है पॉलिटी का याद आ गया तो पॉलिटी भी बता देंगे, कुछ जो है हिस्ट्री भी बता देंगे, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है वो मल्टी डायमेंशनल हो, और जब तुम आंसर लिखो आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो तुम्हारा जो है दिमाग चले कि अच्छा ये पर्यावरण का बात किए ना, तो पर्यावरण का बात किए तो हम यहाँ पे आर्टिकल 48A भी डाल सकते हैं, आर्टिकल 51A का जी भी डाल सकते हैं, आर्टिकल 21A भी डाल सकते हैं, जा तब आंसर तुम्हारा दमदार होगा कि भारत पर्यावरण के लिए क्या किया। तो आर्टिकल 21A तो शिक्षा वाला है, आर्टिकल 21 जीने का हक, तो जीने का हक तो भाई कुत्ता को भी है, डिग्निटी के साथ जीने का हक, ठीक है, 21 में, 48 में 48A जो DPSP है और 51A का जी, ठीक है, ये जो है पर्यावरण के मतलब प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो इसीलिए जब क्लास में बैठो फुल फोकस के साथ बैठो, क्योंकि जब अमित सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे एक टॉपिक, लेकिन जो दिमाग में आएगा वो बोलेंगे, तुमको नोट करना है, हो सकता है तुमको वो चीज़ अभी समझ में नहीं आए, 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब तुम वही चीज़ देखोगे कि हाँ यार ये तो बोले थे, तो तुमको जो है मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो थोड़ा मेंस का भी बात कर लिया जाएगा, थोड़ा टॉपिक का भी बात कर लिया जाएगा, फिर ये जो क्वेश्चन भी किया जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में होगा कि सर एक ही साथ इतना सारा जीके, लेकिन ज़रूरी है यार, अभी से देंगे तब जाके तुम एक हफ्ता के बाद तुम यूज टू होगे, अभी थोड़ा टफ लगेगा, नो डाउट टफ लगेगा तुम अगर नए हो तो, लेकिन एक हफ्ते मेरे को बर्दाश्त करो, बोलो कि सर क्या जीके पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मल्टी डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि तुम एक आंसर लिखते हो तुम उसमें मतलब 4 डायमेंशन तुमको दिखाना होगा, समाज पे क्या, पर्यावरण पे क्या, इन्वायरमेंट पे क्या, इकोनॉमिक्स पे क्या, ऐसा दिखाना होगा। तो वो कब होगा? ऐसे करके होगा, ठीक है। तो जो ये है आपका UNCH, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि हिंदी में हो गया संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, और चूंकि ये सम्मेलन 5 जून को हुआ था इसीलिए 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 1972 में हुआ, और क्या बोला गया कि भाई यूएन का हर चीज़ के लिए एक बॉडी है, लेकिन पर्यावरण के लिए बॉडी है ये नहीं है, तो एक तो बॉडी बनाइए, तो बना यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP,
और सिक्स्थ में क्वेश्चन पूछा था कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। शुभम छोड़ के दूसरा कोई बताओ, क्योंकि शुभम हमको लगता कि अच्छा तैयार किया है वो बहुत सारी चीज़। हाँ एकदम सही, नैरोबी केन्या में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और टॉपिक जो पढ़ो अभी, हम जैसे जो टॉपिक पढ़ाएंगे अब तुम्हारा यही रहेगा, अब हम कल के लिए कुछ नया चीज़ नहीं देंगे, जो पढ़ाएंगे उसको तुमको और अच्छे से पढ़ के आना है, और एक बार डिस्कशन होगा तब जाके सेट हो जाएगा। तो जो 1972 है यहाँ पे, इसको स्टॉकहोम में ये सबमिट हुआ, ठीक है। और ध्यान रहे ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्टॉकहोम में सबमिट हुआ, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कुछ और है, चूँकि दोनों जो है एक ही जगह का नाम से संबंधित है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो स्टॉकहोम में सबमिट हुआ था 1972 में, वहाँ कितने सिद्धांतों को अपनाया गया था, प्रिंसिपल को? तो एक सिद्धांत कम है, जो 1992 में हुआ था रियो में, वहाँ पर 27 प्रिंसिपल को अपनाया गया था, और जो यहाँ स्टॉकहोम में हुआ था यहाँ पे 26 सिद्धांतों को मतलब अपनाया गया था। तो बस बेसिक जानो, तुमको पूरा 26 में घुसना नहीं है क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड चीज़ है, बस तुमको बेसिक जानना कि भाई शुरुआत कहाँ से हुआ था, ठीक है। और अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे जो कि जेपीएससी मेंस में पूछा था कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं और इससे जो है कैसे पर्यावरण का मतलब प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को भी थोड़ा डील करेंगे, लेकिन अभी तुम जानो कि हाँ कहाँ से शुरुआत हुआ। तो 1972 से जो है पहल किया गया स्टॉकहोम में, यूएनईपी का गठन किया गया कि भाई अब एक यूएन का संस्था है जो कि पर्यावरण संबंधित, अब पर्यावरण में हर चीज़ आ गया, मतलब क्लाइमेट चेंज भी आ गया, जैव विविधता भी आ गया, सतत विकास भी आ गया, सबका सर्वे सर्वा जो है ओवरऑल अथॉरिटी जो है वो कौन है, यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टफ करने के लिए कि जो स्टॉकहोम में सबमिट हुआ था वहाँ पे कितने प्रिंसिपल्स को अपनाया गया था, तो हम जनरली मतलब बैच में पढ़ाते हैं स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, रियो में 27 था, स्टॉकहोम में 26 था, तो कन्फ्यूज होते हैं। तो पहले 26 और फिर बाद में जो है 27 हुआ था। तो इतना बात तुमको जानना होगा किससे, पहले से संबंधित होके 1972 में हुआ था। अब शुभम तबस्सुम ज्योति को छोड़ के देखो, अब भारत जो है अकेला नहीं है ना, और यूएन का सदस्य है, तो यूएन जो भी कदम उठाएगा उसके लिए भारत को अपने यहाँ नियम कानून बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एकदम नियम है कि अगर तुम किसी अंतर्राष्ट्रीय इस चीज़ के अगर तुम सदस्य हो, वहाँ पे कोई चीज़ को अपनाया जा रहा है तो तुमको अपने लिए उसको करना ही होगा। तो ये हम चाहेंगे कि राहुल बताओ, ठीक है, राहुल बताओ कि भारत जो भी स्टॉकहोम में डिसाइड किया गया उसको अपनाने के लिए क्या चीज़, क्या अधिनियम बनाया। नहीं ध्यान है, अंजलि कुमारी, 1972 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट भारत बनाया था जिससे जीव जंतु को किसको मारना है किसको नहीं मारना है उसके बारे में जिक्र किया गया था, वो अभी भी लागू होता है। एक मिनट को ज्योति बोलो, खुशी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था। और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर्यावरण के रिगार्डिंग, मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया में मतलब कब हम स्टार्टिंग मान सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, 1976 से, 72 में तो आया ही आया, 1972 में पहला पहल किया गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया, चलो ठीक है। और 1976 में 42nd अमेंडमेंट से दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ऐड किए गए, आर्टिकल 48A और पूरा का पूरा तो फंडामेंटल ड्यूटी ही ऐड हुआ था। अच्छा, अब ज्योति भी नहीं बताएगी, अब देखो बाकी हम चाहते हैं कि सब पार्टिसिपेट करें और सब पढ़ के आए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई
कुछ लोग सिलेक्शन लें और कुछ लोग ऑडियंस बने। ज्योति अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो ज्योति थोड़ा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहला क्लास है, ऐसा मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम उस चलते नहीं बोल रहे, देखो होता क्या है ना, हम बैच करवाते हैं तो तीन चार लोग आंसर देते हैं और मान लो कि 35 का बैच है तो बाकी 31 जो है ना बोलते हैं या तबस्सुम आंसर दे देगी, शुभम आंसर दे देगा, ज्योति आंसर देगी, हमको काहे पढ़ के जाना है। तो वो चीज़ हमको छुटाना है यार, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि और लोग भी आगे आए, बाकी जो लोग आंसर देते हैं उनको भी हम थोड़ा ढंग से सवाल पूछेंगे, जैसे शुभम उभम से जो है, तबस्सुम से हो गया, ज्योति से हो गया, ये सब सवाल नहीं पूछना है, थोड़ा लेवल उठा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी हमको ये जवाब चाहिए, क्या पूछ रहे थे यार, कि 42nd अमेंडमेंट से 40 क्या पूछ रहे थे हम, भूल ही गए, फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ फंडामेंटल ड्यूटी, यस। चलो खुशी तुम ही बताओ, जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, तो हम बोले ना कि बात कर रहे हैं जो ध्यान में आएगा पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था 1976 में। नहीं ध्यान है, चलो कोई बात नहीं। अरे मतलब हम पूछे कि किस कमिटी, अरे यार ज्योति थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ज्योति, अब तुम अपना एक बार भी माइक ऑफ ऑन नहीं करेगी, ठीक है, एक बार भी तुम जवाब नहीं देगी। हाँ झलक दियो, बोलो क्या बोला, एकदम स्वर्ण सिंह कमेटी, इसलिए बोले कॉपी पेन एकदम रेडी रखो। फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी बाय 42nd अमेंडमेंट, कब लाया गया था भाई, 1976 में। एक क्वेश्चन का आंसर और तुम लोगों को करना है, वाई 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42वां संशोधन है इसको जो है क्यों नहीं, झलक जवाब मत दो, ये हम सबको चाहते हैं कर क्या है, ठीक है, एक पेज का कम से कम कंप्लीट करना है और बैच बहुत जल्द, ठीक है, जैसे जैसे फीस आते जाएगा बस जितना लोग पेड करेंगे नया बैच में जो है, मतलब नया ग्रुप में शिफ्ट करेंगे, थोड़ा इंतजार करें 2-3 दिन और। तो 42nd अमेंडमेंट को क्यों जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपको पढ़ के होमवर्क में करके आना है, ठीक है, इसमें 8-10 पॉइंट है, हम पूछेंगे, मेरे साथ साथ चलोगे ना यार, इतना मस्त करवा देंगे ना, इतना मस्त करवा देंगे कि तुमको लगेगा कि हाँ यार कुछ चीज़ जाने हैं, कुछ चीज़ सीखे हैं। तो बस जो बोलते हैं उसको बस करो, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, टॉपिक्स जो देते हैं उसको देखना ही देखना है। INDC होमवर्क में दिए हैं, इंडिया का INDC टारगेट क्या क्या है पढ़ो, दूसरा दिए हैं 42वां संशोधन को, 42nd अमेंडमेंट को क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, 20 नंबर में मेंसे में आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन अभी जब तक फॉर्म नहीं आता है, हम लोग के पास लिबर्टी है, थोड़ा हम लोग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक बार फॉर्म गिर जाएगा फटाफट भागेंगे, लेकिन अभी जो है चलेंगे ताकि एक बेस तैयार हो और तुमको समझ में आया कि सिविल सर्वेंट का तैयारी, सिविल सर्वेंट की तैयारी है क्या, क्यों, क्योंकि हम ये सब नहीं समझे, 4-5 साल हम ये सब समझे नहीं, क्यों, कुआं का मेढक वाला हाल था, जो समझ में आया पढ़ें, जो समझ में आया नहीं पढ़ें, पीटी, और कोई भी चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़े। सीनियर्स अगर हमको बोले भी कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अरे PTA नहीं निकल रहा, न्यूज़पेपर क्या पढ़े, तो यही सब करते रह गए। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे अभी पास हैं, वो सब मिस्टेक करें, इसी बार में फाइनल करना है। यहाँ आए हो, मेहनत लगाओ, जो बोल रहे हैं करो, मतलब सीनियर नहीं सुपर सीनियर हो गए हैं यार, जितना मिस्टेक हो सकता है सिविल सर्विसेज का, दूसरे से सीखे नहीं है, खुद किए हैं, खुद सब मिस्टेक खुद किए हैं, इसलिए जो बोलते हैं आँख बंद करके फॉलो करो और करो और देखना। इसी बार में ऐसा नहीं होगा कि PT पास करोगे मेंस में बैठोगे, कर दिए जो बोल रहे हैं ना, फाइनल सिलेक्शन लेके जाओगे। बस अपना पढ़ने का तरीका बदलो, मेहनत का तरीका बदलो और एकदम होगा। हम ही 2 घंटा मेहनत करते थे, हम ही 4 घंटा मेहनत करते थे, हम ही 6 घंटा मेहनत करते थे, और जब डूब गए, जब एग्ज़ाम में पूरा लम गए, तो हमको अब टाइम ही नहीं दिखता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो वही तुम ही है और तुम बदलोगे, क्योंकि तुम इंसान हो, और जैसे जैसे तुम्हें इंटरेस्ट आएगा और ये फील करना कि एकदम
हमको निकालना है, क्योंकि बिना ऊपर वाले के मर्जी से दिल में कोई ख्याल आता नहीं है, और ख्याल आया है तो इसका यही मतलब है कि वो चाहते हैं कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, ठीक है। तो इसीलिए एकदम करो अच्छे से, तो ये देख के आना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना चीज़ हुआ 1972 में, और एक जागरूकता जो है हो गई, इंडिया जो है अपने यहाँ बदलाव किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में। उसके बाद 76 एक टर्निंग पॉइंट रहा, ठीक है। और एक बंदे का नाम याद रखो, MC मेहता केस, ठीक है। जैसे कि अधिनियम तो बन गया, लेकिन अभी भी जो है, जैसे मान लो कि बहुत जगह प्रदूषण हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो जो जुडिशरी है उसमें, जुडिशरी में जो पर्यावरण संबंधी चीज़ें जुड़े गई आई, वो इस बंदे का पढ़ना, MC मेहता केस, दिल खुश हो जाएगा यार। इतना पीएल डाला, इतना पीएल डाला ना, ताजमहल गंदा हो रहा उसको लेके, गंगा नदी गंदी हो रही उसको लेके, सिंपल एक क्वेश्चन बनाएगा, MC मेहता केस का संबंध किससे है। अब अगर जो बाबू तुम जानते हो कि अरे MC मेहता ये तो भाई मतलब महारथी हैं, महारथी हैं पर्यावरण के संबंधित में, बहुत पीएल डाले हैं और इनके चलते बहुत सारा जो है रूल रेगुलेशन आया है, टिक कर दोगे इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, और नहीं पढ़े हो सोचेगा कौन सी है जी, कौन सी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हल्का फुल्का देख लें। डिटेल में क्या पढ़ के आना है, INDC पढ़ के आना है, और 42nd अमेंडमेंट को क्यों मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सब देख के आना है। अब चलिए, ये तो हो गया 1972 में, अब जागरूकता पूरा होने लगा, ठीक है। इसी बीच 76 में वह भारत संशोधन कर ही दिया। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। अब हम बोले न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उस एक्ट में 2019 में बदलाव किया गया। कोई उम्मीद नहीं किया था, हम भी नहीं किए थे, और कोई भी मतलब उम्मीद नहीं किया था कि इतना मतलब डायनेमिक JPSC होगा। JPSC क्या पूछा, फीचर्स बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, साथ ही साथ इसमें क्या बदलाव किए गए हैं उसको बताइए। लो जी, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसका चांदी हो गया, मतलब धुआं धुआं कर दिया। अब जो नहीं पढ़ता, उम्मीद ही नहीं किए थे हम लोग कि इतना लेवल ले आएगा JPSC, एकदम उम्मीद नहीं किए थे। तो स्टैटिक टॉपिक को जोड़ रहा है करंट के मुद्दों से, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया। हम लोग जितने भी दोस्त यार हैं, सब जो होता है ना, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई JPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेबल मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के अच्छा लेबल उठाया। सीधे पूछा, एक्सप्लेन सैलेंट फीचर्स, खास जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य फीचर्स हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, वो बताइए 1980 का। व्हाट अमेंडमेंट हैज़ बीन डन टू इट, इसमें क्या बदलाव किया गया, बदलाव कब किया गया, 2019 में किया गया, पूछ लिया क्वेश्चन। तो इंडिया जो है 1972 में अपना पहला लाया, उसके बाद जो है 74 में एक ठो लाया था वाटर वाला, लेकिन जो है वाटर मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने सिलेबस में भी है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए 74 में अधिनियम बनाया पहला जो है पर्यावरण वाला। 74 में हो गया तुम्हारा वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए तुमको लेके आया 1981 में। लेकिन 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 जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ ना, तब मतलब बहुत मतलब फेलियर साबित हो गया इंडिया का, कि भाई इंडिया का जो भी ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला है या एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला है, सब फिसड्डी साबित हो गया। क्योंकि तुम जानते हो कि भारत में रूल रेगुलेशन है, इतना गरीबी नहीं रहेगा, इतना मतलब इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं पॉलिटिकल मतलब जो लीडर्स, उनमें पॉलिटिकल विल है ही नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो मतलब बदलाव चाहती ही नहीं है यार, ठीक है। और यही वजह है कि सब नियम कानून होते हुए, तो कोई भी आंसर लिखना है उसमें जब तुम डालोगे ना चैलेंजेस, कमियां क्या हैं, सीधे लिखो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, हर जगह काम करेगा, गुड गवर्नेंस में, DPSP में, मनरेगा क्यों सफल नहीं है, मतलब दो चार मतलब यही डिस्कशन सुनोगे ना और ये सब पॉइंट्स नोट करोगे, तो जैसे हम चैलेंजेस डालते हैं ना कि क्या कमियाँ हैं, देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, पंचायती राज सिस्टम क्यों नहीं ठीक काम कर रहा है, मनरेगा ठीक काम क्यों नहीं कर रहा है, सिंपली वहाँ पे चैलेंजेस में डालना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। दूसरा पॉइंट, अपैथी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है वो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है भाई, लाल फीताशाही बोलते हैं उसको, करप्शन है,
ठीक है, सरकार इतना मरे जा रही है, विनिवेश हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को लग रहा है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो मेरा जो पावर है पब्लिक सेक्टर में वो चला जाएगा, होने ही नहीं दे रहा है, क्या करेगा। तो वही है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाना है, कॉपी पेन लेके बैठना, हम बहुत सारा पॉइंट्स बोलेंगे। अभी मेंस का एग्जाम दिए हैं, दिमाग एकदम पॉइंट से भरा हुआ है, 10-15 दिन तक और रहेगा दिमाग में, तो इसीलिए उसका फ़ायदा उठा लेना है, नोट कर लेना है। और ये सब डॉट है, भले कि अभी पूरा समझ में नहीं आया, लिख लो, 10 दिन के बाद ही समझ में आएगा, 15 दिन के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग मेंस का एग्ज़ाम दिए, बहुत सारा फैक्ट्स दिमाग में है, तो ये सब निकलेगा। अभी वहाँ पे नहीं निकल पाया कुछ कुछ प्रेशर में, लेकिन बाद में होता नहीं, एग्जामिनेशन हॉल से निकले, अरे यार ये छूट गया, वो छूट गया, तो अभी आएगा वो सब पॉइंट करने का है। चलो अब हम लोग पहुँचते हैं, 1972 देख लिए, 1974 देख लिए वाटर प्रदूषण को रोकने के लिए आया था, 1981 में देखे एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अधिनियम बनाया, लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो सब फिसड्डी साबित हो गया। फिर 1986 में ठीक है एक अम्ब्रेला स्कीम लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कर रहे हैं, देश का भी कर रहे हैं, ताकि तुम लोग कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। और अभी मान लो कि 40% समझ में आएगा क्लास के बाद, या फिर कल सुबह, कल भी यही मुद्दा सब चलेगा, जब तुम थोड़ा देख के आओगे 70% समझ में आएगा, और एक बार डिस्कशन करेंगे 90% समझ में आएगा। तो ऐसे चीज़ होता है, छू छू के नहीं निकलना, जो पढ़ना है अभी समय है, इत्मीनान से पढ़ना है, जो पॉइंट्स हमको उससे कनेक्टेड लगेंगे हम बताएंगे, तुम थोड़ा अपना होमवर्क करके आओ, तब तुम देखना मज़ा आएगा। और संडे को अचानक क्वेश्चन लिखने दे देंगे, लिखो जी, तुमको आधा घंटे का समय देते हैं, तुम लोग लिख के दिखाओ, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, तो तुम मेहनत करेगा तब ना, लिखेगा तब ना, हम लिखाने को तैयार हैं, तुम मेहनत करो, हम संडे को एक घंटा देने को तैयार है, मेहनत करो, क्या। चलो अब 1980 में हो गया फर्स्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिस पे मेंस पे क्वेश्चन आया, उसके बाद 86 वाला तो बता ही दिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये अम्ब्रेला स्कीम है, अपने सिलेबस में भी है, बाद में डिस्कशन होगा। और उसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कि शुरुआत तो किया गया था 1972 में, लेकिन वो चरम सीमा में पहुंचा कब, 1992, वही हम वीडियो में भी बनाए हैं। अब चलो तुम लोग को होमवर्क दिए थे वीडियो देख के आने का, अब समय आ गया कि अब थोड़ा जब बेसिक हम बता दिए तो देखें कि तुम लोग वीडियो देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो। तो ब्रजेश भाई, क्या तीन अहम मुद्दे जो हैं वो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए थे, यार बोलो। सर तीन मुद्दे थे सर, पहला था क्लाइमेट चेंज, दूसरा था बायोडायवर्सिटी, और तीसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा, बहुत सही। अब जैसे कि हम बताएं कि विश्व जो है जागरूक हो रहा था कि भाई पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, तो जब आपका रियो सम्मिट हुआ, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तो यहाँ पे क्या हुआ, और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पहला था 1972 वाला UNCHE, ये दोनों का तुमको नाम पता होना चाहिए, तुमको सिंपल पूछेगा कि UNCED का बैठक कहाँ पे हुआ था, तो तुम मालूम होना चाहिए रियो में हुआ था UNCED, जो 1992 में हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और ब्रजेश बहुत सही बोला, वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे लिए गए, कौन कौन से, पहला क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कैसे ठीक करना है, दूसरा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, और तीसरा सतत विकास, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ छोड़ दिए, 1972 में OECD एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वो एक कंसेप्ट दिया पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो प्रदूषण करेगा उसको फाइन भरना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पे है कि एक लिमिट रखा गया है कि अगर आप इतना टन कोयला आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना करना पड़ेगा, तो ये लिख लो
कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल किस संस्था के द्वारा दिया गया था? OECD। और ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि एग्जाम में आ जाएगा ना, और जो अच्छे से नहीं पढ़ा है छू नहीं पाएगा, ठीक है? तो लिख लो, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब जो प्रदूषण करेगा उसको फाइन भरना पड़ेगा। ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? एक संस्था है OECD। 1972 में तीन इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, स्टॉकहोम में सबमिट हुआ था, UNEP का गठन हुआ था, दूसरा जो है जो यूनेस्को का तुम जानते हो ना वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो आप जानते हैं कि अलग अलग जो ऐतिहासिक जगह हैं, मतलब चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो कल्चरल, तो यूनेस्को जो है देखता है, उसका जांच पड़ताल करता है, इंडिया अपना मतलब नाम भेजता है, तब उसका जांच पड़ताल होता है और फिर उसको जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, इसका शुरुआत भी 1972 में हुआ था, और साथ ही साथ जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये भी OECD दिया था सबसे पहले। तो तीनों चीज़ क्लियर है। अब आइए आप इसी बात पे जो है ये हम आंसर चाहेंगे। चंदन कुमार चलो तुम भी उद्घाटन करो, भारत में कितने स्थल हैं, साइट हैं जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में आते हैं? ऑप्शन है तुम्हारा शायद 31 सर, पता नहीं चला। अरे भाई इतना पुराना, इतना बैग जाएगा तुम। अच्छा रुको 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 रुको, और भी जो लोग का जो है उद्घाटन तुमको तो दिख रहा है ना कौन कौन है। अब आ जाओ सोनी किस्पोटा, ज्योति यार अभी रुको, वेट करो, हम देंगे तुमको मौका, वेट करो वेट करो, थोड़ा छुपे रुस्तम जो लोग हैं उनको सामने लाने दो थोड़ा। उत्तम भगत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है यूनेस्को के कितने विश्व विरासत साइट्स हैं? चलो ज्योति तुम बता, बोलो ज्योति बोलो, चलो तुम ही बोल दो। 11 को दिया गया है, वैसे 18 है, भारत में 18 है लेकिन 11 को यूनेस्को में। मत समझो ना, देखो ज्योति तुम्हारा एक प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तुम ना तुरंत सुन के तुरंत हड़बड़ा रही है। नहीं, क्वेश्चन को दो बार तीन बार सुनियो, चलो एक बार हुआ कोई बात नहीं, अभी फिर तुम गलती कर रही है, तो यानी तुमको इस पे वर्कआउट करना है ज्योति, ठीक है? और ये ज्योति का ही नहीं एक बहुत बड़े तबके का प्रॉब्लम है, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है यार, आराम से तबस्सुम। चलो तुम्हारा टर्न, 40 ठीक है, एकदम 40 है। और ज्योति तुम जो बोल रही थी ना, तुम बोल रही थी बायोस्फीयर का, तुम बोल रही थी जैव अभ्यारण का बोल रही थी, ठीक है? तो ये नोट कर लिया जाए कि भारत में कितने विश्व विरासत सूची, मतलब कि भारत में कितने ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में आते हैं? 40। अब ये कौन बताएगा कि कौन सा जो है एकदम लास्ट वाला? शुभम चलो तुमको ये मौका दिए, बताओ 40वां नंबर पे किसको मिला है स्थान, बोलो। धोलावीरा, ठीक है धोलावीरा, इसको नोट कर लो, PT में आ सकता है कि भारत का कौन सा 40वां स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जगह दी है? तो जवाब है आपका सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, जो कि पानी को वाटर हार्वेस्टिंग को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस था, जिसका नाम है धोलावीरा। अरे बहुत जीके है यार, बहुत जीके है ज्योति, तुम्हारा कंटेंट है, तेरे पास नॉलेज है, हम देख रहे हैं, तुम जो भी पॉइंट बोल रही है बहुत ज़बरदस्त बोल रही है। बस एक ही बात बोलेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट कर, उसके बाद जवाब के साथ आ, ठीक है? बाकी तेरा कंटेंट बेस एकदम ज़बरदस्त है कि अगर तुम प्रोजेक्ट एलिफेंट का नाम ले रही है और अगर तुम बायोस्फीयर का बता रही, इसका मतलब कि तुम पढ़ी है, ठीक है? चलो ज्योति बताओ इसी पे, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? टाइगर, हाँ
मस्त मस्त, हम बोले ना एकदम सही 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 सही, ठीक है मस्त है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसी बात पर अगर क्वेश्चन बन जाता है, ज्योति अब माइक ऑफ कर लो, अब किसी और से पूछते हैं, ठीक है। इसी बात पर अगर क्वेश्चन बनता है, अब देखो कौन जवाब नहीं दिया है, शांति कुमारी, चलो शांति कुमारी को ये जवाब देना है। इसी बात पे क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है, क्या जवाब देगी तुम शांति? ऑप्शन तुमको दे देते हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और गूगल का इस्तेमाल कोई मत करना जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ उत्तराखंड, और ये आपका गलत जवाब, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है निशांत भाई, चलिए बहुत देर से आप ऑडियंस बने हुए हैं, निशांत भाई आइए, निशांत कुमार रवि, उत्तराखंड ऑप्शन चला गया आपके पास, जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। हाँ बोलो बोलो। हम बोले किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है। बहुत सही, 526 टाइगर एमपी में है, 524 टाइगर कर्नाटक में, ठीक है। और ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो एमपी है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल एमपी में है, इस वजह से वहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सर कहीं सर पढ़े सर कुछ बात हमको ऐसा लग रहा है सर, बहुत गलत पढ़ा है भाई, बहुत गलत पढ़ा है, हम टाइगर का बात कर रहे हैं, क्या शायद तुम लायन का बोल रहा होगा, और लायन और टाइगर दो अलग अलग चीज़ है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने लायन का भी तुम कर दिया, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ बोलना है, गलती से नहीं डरना है, ये नहीं सोचना है कि हम गलत हो जाएं तो, कोई बात नहीं, ये कोचिंग है यार, ठीक है कोई बात नहीं सुनील, चलो ठीक है। इसी बहाने जो है तुम बता दिए कि हाँ लायन मतलब ज़्यादा है, क्या किस देश से भारत जो है चीता मंगा रहा है, चीता ख़त्म हो गया है हम लोग के यहाँ, कौन सा देश से मंगा रहे, एक दो साल पुराना न्यूज़ है। नामीबिया, ठीक है एकदम सही बोला, नामीबिया से, ठीक है सही। चलो अब जो है सब लोग जो है, अब किसका खाता नहीं खुला है, सब लोग लगभग बोल ही दिए हैं, चलो बहुत सही है। अब फुल पार्टिसिपेशन हो रहा है, हमको ऐसे ही चाहिए, हमको जो है सबका रिजल्ट चाहिए यार, इस बार सबका रिजल्ट कराएंगे, जो बोलते हैं बस करो, एकदम होगा, मस्त से होगा, इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, इतना डिटेल से कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। झलक दियो फिर से रिपीट करो, कौन सी संस्था है जो कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का कंसेप्ट दी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का कंसेप्ट दिया है। हाँ एकदम सही एकदम सही, जो OECD है ये कंसेप्ट दी है। अब एक और चीज़ मेरा मिस हो गया कि जो सतत विकास है, ठीक है सुनील ये तुम हमको बता दो कि सतत विकास सुनते हैं क्या है भाई, सतत विकास क्या है सर? सतत विकास सर आप अपने देश की कोई भी सर संसाधन जो आप यूज अपने वर्तमान स्थिति में यूज करते हुए और भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखना सर। मस्त सही है, इसका कितना कंपोनेंट होता है? इसका कितना पिलर, कितना स्तंभ होता है, कितना इसमें कंपोनेंट होता है? अच्छा चलो अब एक नया प्लेयर को लाते हैं, संदीप, चलो भाई संदीप रुको सुनील रुको, अब सबको मौका दो, अब तुम्हारा चांस गया, अभी संदीप को थोड़ा पिक्चर में आने दो। संदीप बोलो भाई, कितना कंपोनेंट है सतत विकास का, कितना पिलर है, कितना डायमेंशन है? डायमेंशन तो मेरे को नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ चलो नितेश बताओ। 17 सर। अरे भाई तुम बता रहा है, गोल्स बता रहा है, क्या लोग तो लक्ष्य था 17। हाँ हाँ वो लक्ष्य है, कोई बात नहीं नितेश, कंफ्यूजन होता है, सतत विकास लक्ष्य में अलग अलग चीज़ है, ठीक है
कोई बात नहीं, चलो कम सर तीन होगा क्या? एकदम तीन होगा, ठीक है, पर्यावरण सामाजिक आर्थिक तीन है, ठीक है, याद आ गया सर एकदम। और नितेश इसी बार ने बहुत अच्छा चीज़ तुम भी बताया है, SDG गोल्स कितना है, 17 होता है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट बहुत बाद में आया, 2015 में अपनाया गया, 2016 से लागू हुआ है SDG गोल्स, तो वो 17 है, ठीक है सुनील एकदम सही बोला। कोई बात नहीं यार, कोई बात, तुम कम से कम बोला तो सही ना, हमको ये अच्छा लगा, ठीक है। देखो अगर तुम ही लोग सब जान जाएगा तो फिर पढ़ने का यहाँ पे पढ़ने क्यों आएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि सतत विकास का बात, सतत विकास को डिफाइन किया गया था कब, 1987 में, ठीक है, कौन से रिपोर्ट में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है एकदम। और कुछ बोलना चाहेगा तुम मुंडा भाई, बोलना चाहेगा तो बोलो। हमारा साझा भविष्य नाम से जानते हैं, हाँ, आवर कॉमन फ्यूचर, हाँ ठीक है ज्योति, तुम बहुत अच्छा मतलब बेस बनाई है, मतलब ये तीन चार लोग लग रहा है कि हाँ मतलब स्टडी अच्छा कर रहा है, हाँ झलक बोलो बोलो बोलो। तो ये हम जो जो टर्म यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ के आना है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल देख के आना है क्या, क्योंकि अपना देखो दुनिया को देखने का हर लोग का अपना तरीका होता है, हम तुमको बता दिए आधा काम हुआ है, तुम उसको अपने से पढ़ेगा, अपना सबकॉन्शियस में बैठेगा, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो फिर उसका एक अलग बात होगा। और जो पढ़ना है या ऐसा पढ़ना है ना दिमाग में छप जाए, क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन दे के बना दें उसको। और ये मेरा मतलब दोस्त मतलब धर्मेंद्र बोला था कि जब भी तुम कोई चीज़, और नीलम मैडम भी बोली थी, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका ही गलत था, हम बोले ना हमको 6-7 साल लग गया ये समझने में कि पढ़ते कैसे। फर्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ पढ़ो धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है, और मान लो कि 4-5 लाइन पढ़ा रुक जाओ सोचो, ऐसा हम कभी कर भी नहीं किए, स्कूल कॉलेज में रट्टा मार मार के पढ़ाई किए, पास वास हो गए, लेकिन वो तरीका ही मेरा गलत था। कब समझ में आया, लगातार 3-4 साल UPSC का पीटी में फेल हो रहे हैं, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है यार, पढ़ने का तरीका गलत ही था। तो इसी वजह से रीडिंग एकदम अच्छे से करना है, और न्यूज़पेपर एकदम होना ही होना है, 3-4 लाइन पढ़ो सोचो हम यहाँ से क्या समझे, और अभी जैसा चला जैसे चलेगा ना मज़ा आएगा, साथ साथ चलो बहुत मज़ा आएगा। तो इतना सारा चीज़ हो गया, अब ज़्यादा जो है बॉम्बार्डमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारा टॉपिक हो गया, तुमको देख के आना है जितना टॉपिक का बात किए। और हाँ ये बस तुम जान लो, जैसे पूछता है कि सतत विकास को पहली बार ऑफिशियली कब परिभाषित किया गया, तो 1987 में, कौन से रिपोर्ट में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट का क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ज्योति जो बताई, तो वहाँ पे जो है इसको डिफाइन किया गया। अब इसमें बहुत सारा चीज़ है जो तुम लोग के लिए नया रहेगा, क्योंकि वो जो हम वीडियो सब बनाए थे वो हम 2 साल पहले बनाए थे, उस समय मेरा नॉलेज बेस इतना नहीं था, जो इतना सब अभी चीज़ हम समझे हैं वो पहले नहीं जानते थे, हम क्या बोले कि हम लोग ह्यूमन हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, तो बदलाव के लिए तैयार रहो, पानी बनो तब अच्छा होगा यार। देखो फिजिक्स से हम अरे कर लेंगे टाल मटोल करते रहे, 20 नंबर का मेरे को नुकसान गया है साइंस में, 20 नंबर का, क्योंकि लास्ट मोमेंट में नहीं कर पाए, अचानक से बम फोल दिया, और हम सोचे थे कि अच्छा यही ना एक तो बाकी है कर लेंगे यार, पोस्टपोन्ड वाला मतलब नेचर मत रखना यार, बहुत गंदा होता है, जो करना है फिर कर लो, कर लेंगे वाला हिसाब किताब मत रखना। ये जो टॉपिक पाए एनवायरमेंट का कल ख़त्म करके आओ, फॉर्म आएगा तो देखेंगे ना, ना अभी करो अभी, तब बहुत फायदा रहेगा। चलो फिर, उम्मीद है तुम लोग को पसंद आया होगा आज का सेशन, जो होमवर्क दिए हैं करना, मतलब एक ये तो पढ़ने पढ़ना कि स्टॉकहोम में क्या हुआ था, पढ़ के आना, INDC क्या होता है, भारत का नया INDC टारगेट क्या है, और सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा यही है यार सबसे क्वेश्चन पूछना, पिछले बार तक हम ऐसा थे कि 3-4 लोग जवाब दे रहे हैं तो चलो वही करो, लेकिन उसका नुकसान हुआ मेरा 130 में से जो है 20 ही बच्चा पास कर पाया पहला राउंड में, हमको बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि मेरा भी पहला बैच था, हमको भी ये चीज़ आइडिया नहीं लगा,
तो पीटी वाला में ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगा। बाद में रिजल्ट हुआ 20 लोग का, और कब, 20 दिन पहले हुआ, उस समय वही थे जो 3-4 लोग जवाब देते थे, हम भी मतलब केयर नहीं करते, अच्छा ठीक है जवाब आ रहा है ना, तो ये चीज़ जो है अब इस बार नहीं करना, इस बार हमको एक एक से जवाब चाहिए, भले तुम एक जवाब दो लेकिन चाहिए, ठीक है। और जो लोग का प्रिपरेशन अच्छा है तुम लोग को हम देंगे मस्त वाला क्वेश्चन, तुम लोग उस पर जवाब देना। ज्योति हो गया, तबस्सुम हो गया, और शुभम है, और भी जो लोग हैं जिनका है एक बेसिक, एक मतलब बेस बना हुआ है, तो तुम लोग को भी हम क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं देंगे। और बाकी लोग भी, तुम लोग भी पढ़ो, देखो ये लोग भी पढ़ पढ़ के आज इस लेवल पे है कि जो हम बता रहे हैं वो जान रहे हैं, वो देखे हुए हैं, तुम लोग भी कर सकता है यार। देर इज़ नो सब्सिट फॉर हार्ड वर्क। हम तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल बैंकिंग, नबार्ड, RBI वो सब पढ़ाए थे, और ये 4 साल से लगभग जो सिविल का पढ़ाए हैं। सबको ऊपर वाला उतना ही ब्रेन दिया है, कितना फोकस्ड है, कितना कंसंट्रेटेड है, उस पर डिपेंड करता है सक्सेस। और लिखने का काम करो, एक पेज डेली का लिखना ही लिखना है, आज जैसे हमसे क्या पढ़ा, क्या सीखा, लिखो, ठीक है, लिखो जैसा लिखा है, गंदा पुंदा जैसा लिखा है लिखो। और न्यूज़पेपर वाले को बोल दो, भैया 1 अप्रैल को हमको न्यूज़पेपर चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से जो क्लास स्टार्ट होगा, फिर जो है उसमें 15 मिनट न्यूज़ का डिस्कशन होगा, नहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर तुम्ही को अफसोस होगा, साथ में करो, ठीक है। हमको इंटरव्यू भी देना है, तो हम जो है मतलब न्यूज़ को हम भी पढ़ेंगे, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ो, 15 मिनट डिस्कशन का रखेंगे, ठीक है। चलो अब 11 बज गया, जो एंड करते हैं सेशन को। इतना चीज़ तुम देख के आओ, 42nd Amendment को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, हम डाल भी देंगे ग्रुप में, INDC क्या है, इंडिया का नया INDC टारगेट क्या है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बताइए, उसके बाद भारत का जो इम्पॉर्टेंट कुछ जो एक्ट्स आया है पर्यावरण संबंधित उसका बताइए, और फिर 1992 से फिर कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे।